बिसमीम बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायग्राम में शो की गई है रेड कलर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो कर रहा है जबकि ब्लू कलर मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो कर रहा है हमें यहाँ से ये पता लगता है कि इन गोइंग फ्रॉम सेंटर टू द फ्री द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिक्रीजिंग दिस हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द सेंटर ऑफ बेंजीन रिंग शोज इट्स न्यूक्लियोफिलिक नेचर बेंजीन एल्कीन्स और एल्काइन्स की तरह न्यूक्लियोफाइल होती है बेंजीन की रिएक्टिविटी की दो रीजंस होती हैं या तो रिएक्टिविटी रिंग की वजह से होती है या उन सब्सिटेंट्स की वजह से जो कि रिंग के साथ अटैच्ड होते हैं हम ज्यादातर रिंग के रिएक्शंस पर फोकस करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स की हाई डेंसिटी की वजह से बेंजीन एक टिपिकल न्यूक्लियोफाइल है लेकिन हाईली अनसेचूरेटेड होते हुए भी इसकी रिंग बहुत स्टेबल है और इसकी वजह यह है कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हैं बेंसिन एडिशन रिएक्शन मुश्किल से देती है और सब्सिट्यूशन रिएक्शन रेलिटिवली आसानी से दे देती है एडिशन रिएक्शन रिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं इसलिए रिंग उन्हें रेजिस्ट करती है सब्सिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन रिंग की एक हाइड्रोजन किसी दूसरे एटम या ग्रुप से रिप्लेस हो जाती है बेंजीन के तीन तरह के रिएक्शंस होते हैं एडिशन रिएक्शंस जिनमें रिएजेंट्स जैसा कि हाइड्रोजन या हेलोजन हैं रिंग में ऐड हो जाती हैं रिंग के अंदर मौजूद अनसेचुरेशन खत्म हो जाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो कि रिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनाते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शंस इन विच हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन एक हाईली अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है लेकिन यह एडिशन रिएक्शन आराम से नहीं देती इसकी वजह है पाई इलेक्ट्रॉन्स का डी लोकलाइज हो जाना जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबल होती है हमें एल्किन्स और एल्काइंस की नस्बत बेंजीन की एडिशन के लिए ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए होती हैं हम हाइड्रोजन और हेलोजेंस को बेंजीन रिंग में ऐड कर सकते हैं पहले कैटालिटिक हाइड्रोजीनेशन कैटालिटिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होगा हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर हाइड्रोजन को बेंजीन रिंग में ऐड किया जा सकता है इसके लिए जो कैटलिस्ट यूज होंगे दे विल बी प्लैटिनम प्लैटियम आरएन निकेल यहाँ पर बेटा ये चीज नोट कीजिए कि सिंस इन बेंजीन देयर आर 3 डबल बॉन्ड्स देयरफॉर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू साइक्लोहेक्सेन दूसरे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में हमारे पास टेंपरेचर प्रेशर और कैटलिस्ट की कंडीशंस चेंज हो गई हैं टेंपरेचर 100 डिग्री सेल्सियस प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर्स और कैटलिस्ट प्लेटियम चारकोल दूसरा एडिशन रिएक्शन है एडिशन ऑफ हेलोजेंस बेंजीन में हेलोजेंस के थ्री मोल्स ऐड होकर बेंजीन हेक्साक्लोराइड या बेंजीन हेक्साब्रोमाइड ब्रोमाइड दे देते हैं फ्लोरीन का रिएक्शन बहुत ज़्यादा वेगोरस है जबकि आयोडीन का रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो है आप बेटा यहाँ पर यह नोट कीजिए कि जब बैंसिन रिंग में हेलोजेंस ऐड होंगे तो हर कार्बन एटम के साथ एक हेलोजन एटम ऐड हो जाएगा इस तरह से हम इसका नाम लिखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव इसी तरह से सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रोमीन ऐड होने से हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हेग्जा ब्रोमोसाइक्लोहेक्सन बन गई एडिशन रिएक्शन से हमें यह पता लगता है कि बेंजीन रिंग में थ्री डबल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं रिएक्शंस की दूसरी टाइप है ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेंजीन जनरल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरफ तो बहुत स्टेबल होती है और इसीलिए यह अनसेचुरेशन टेस्ट नहीं देती ये हमने पिछले एक लेक्चर में डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ अनसेन टेस्ट कुछ कंडीशंस में बेंजीन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देती है हम यहाँ पर कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन कम्बस्शन और बेंजीन की ओजोनोलाइसिस को डिस्कस करेंगे सबसे पहले कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन बेंजीन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में मैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है ऑक्सीडेशन के लिए कंडीशन क्या हैं वेनेडियम पेंटा एंड द टेम्परेचर इज 450 डिग्री सेल्सियस बेंजीन रिंग इज डिस्ट्रॉयड इन दिस रिएक्शन और ये रिएक्शन यूज होता है फॉर कमर्शियल प्रिपेरेशन ऑफ मैलिक एनहाइड्राइड मैलिक एनहाइड्राइड में वाटर ऐड करके हम मैलिक एसिड बना सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की दूसरी टाइप है कंबस्टन रिएक्शन दूसरे हाइड्रोकार्बन की तरह बेंजीन भी बर्निंग पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की थर्ड टाइप है ओजोनोलाइसिस बेंजीन ओजोन से रिएक्ट करके ग्लाइऑक्सल देती है लेकिन इससे पहले हमारे पास इंटरमीडिएट के तौर पे ट्राई ओजोनाइड बनता है जब बेंसिन में थ्री ओजोन मालिक्यूल्स एड होंगे तो इनिशियली अनस्टेबल मोलोजोनाइट बनेगा जो कि रीअरेंज होकर ट्राईओजोनाइट दे देगा ट्राईओजोनाइट जिंक और वाटर की प्रेजेंस में थ्री मोल्स ग्लाइऑक्सल के देगा और जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस कर देगा इसके बाद हम ये देखते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन साइड चेन और बेंजीन रिंग इज ऑक्सिडाइज्ड साइड चेन में हम एग्जांपल लेंगे अल्काइल ग्रुप्स की जब एल्काइल बेन्स की ऑक्सीडेशन होती है तो नतीजे के तौर पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाते हैं ऑक्सीडेशन के लिए हम कौन कौन से रिएजेंट्स यूज करते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैंगनेट पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड विच इज आल्सो कॉल्ड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इन कंडीशंस में बेंसिन रिंग जो कि हाईली स्टेबल है उस पर कोई भी असर नहीं होता यानी कि बेंसिन रिंग की ऑक्सीडेशन नहीं होती हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे थ्री एल्काइल बेंसिनस पहली है टॉलवीन इन कंडीशंस में प्रोड्यूस होने वाली एटॉमिक ऑक्सीजन इस कार्बन एटम को ऑक्सीडाइज करा के कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज कर देगी जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर वाटर बना देगी दे आर फॉर द प्रोडक्ट हेयर आर बेंजोइक एसिड एंड वॉटर दूसरी केस में हमारे पास साइड चेन में दो कार्बन आइटम्स हैं आप बेटा ये चीज नोट कीजिए कि एक कार्बन तो कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज हो गया दूसरा चेंज हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड में तीसरे वाले केस में वी हैव पैराज बिकॉज टू मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच एट पैरापोजिशन अंडर दीज कंडीशन इट विल ऑक्सीडाइज टू गिव टू कार्बोक्सिल एसिड। क्योंकि बेंजीन इन कंडीशंस में रिएक्शन नहीं देती इसलिए ये रिएक्शन बेंजीन को बेंजीन से डिफरेंशिएट करने के लिए यूज हो सकते हैं एल्काइल बेंजीन, जैसा कि टॉलवीन है एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैंगनेट को डीकलराइज कर देती है जबकि बेंजीन नहीं करती यहां पर बेटा नोट कीजिए वी हैल्काइल बेंजीन व्हेन एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैंगनेट इज इट, इट्स कलर विल बी डिस्चार्ज जबकि के केस में कलर डिस्चार्ज नहीं होगा और हमें पोटेशियम पर मैंगनेट का पिंक कलर नजर आ रहा है बेंजीन के रिएक्शन की थर्ड टाइप है इलेक्ट्रोफिलिक कैरोमेटिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है इन रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल बेन्सिन रिंग के इलेक्ट्रोफाइल को यानी कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं जिनकी वजह से बेंजीन रिंग हाईली स्टेबल होती है ये इलेक्ट्रॉन्स किसी इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक करने के लिए रेडिली अवेलेबल नहीं होते जैसा कि एल्किन्स के, के केस में होता है इसलिए बेंजीन वीक इलेक्ट्रोफाइल्स के ऊपर अटैक नहीं करती इसकी वजह यह है कि बेंजीन रिंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की कंटिन्यूस शीत को तोड़ने और अंदर तक पहुंचने के लिए एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होगा अब सवाल ये आता है कि एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से प्रोड्यूस होगा हम इस सवाल का जवाब देंगे एक एग्जाम्पल से एग्जाम्पल ऑफ हेलोजिनेशन हमने इससे एडिशन रिएक्शन में पहले भी डिस्कस किया है इन आर्डर टू एड हेलोजन एटम्स इन बेंजीन रिंग वी नीड लाइट एनर्जी बट इफ़ वी वांट टू

एक हेलोजन आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है अब हम ये देखते हैं कि हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड अगर हमने स्टार्ट किया है आयरन कैटलिस्ट से ये हेलोजन मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करके आयरन थ्री हेलाइट बना देता है आयरन थ्री हेलाइट फर्दर एक हेलोजन मालिक्यूल से रिएक्ट करके टेट्रा हेलोफेरेट आयन और हेलोजिनोनियम आयन बना देता है आई यू एम किसी भी आयन के नेम में यह शो करता है कि इट इज पॉजिटिवली चार्ज सेकेंड स्टेप है अटैक ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पेनजीन रिंग ऑन इलेक्ट्रोफाइल सिंस अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हैज बिन प्रोड्यूस्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स विल अटैक ऑन इट दोनों के दोनों यूज करते हुए दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हुए एक कार्बन एटम हेलोजन के साथ बॉन्ड बना देगा जबकि दूसरे ने चूंकि अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है देयर फोर इट विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज एंड द आयन प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड बेंजीनोनियम आयन थर्ड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल बेंजीनोनियम आयन के हाइड्रोजन पर अटैक करेगा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स रिंग को देकर इसके साथ कंबाइन कर जाएगा और हमारे पास हेलोबेंजीन बन जाएगी कैटलिस्ट रिप्रोड्यूस हो जाएगा और हाइड्रोजन हीलाइट बन जाएगा सब्सिट्यूशन रिएक्शंस का जनरल पैटर्न क्या है बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करती है बेंसिनोनियम आयन प्रोड्यूस होता है फिर एक न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन ऑफ बेंसिनोनियम आयन पर अटैक करता है हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन बेंसिन रिंग को देकर सब्सिट्यूटेड बेंसिन बना देती है और साथ में प्रोडक्ट पी एच बन जाती है दैट इज हाइड्रोजन कम्बाइन विद न्यूक्लियोफाइल अब हम बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे बेंजीन का पहला सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन जिसमें एक नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग की हाइड्रोजन को रिप्लेस करके नाइट्रो बेंजीन बना देता है इसके लिए कंडीशंस क्या हैं बेंजीन रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट हाई टेम्परेचर एज अ रिजल्ट वी गेट नाइट्रोबेंजीन एंड वाटर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है पहले स्टेप में हमेशा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है विच इज़ नाइट्रोनियम आइन इन दिस केस विच इज़ प्रोड्यूस्ड वेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड एट अ टेम्परेचर ऑफ फिफ्टी डिग्री सेल्सियस इन रिवर्सिबल रिएक्शन एंड एज अ रिजल्ट वी गेट नाइट्रोनियम आइन हाइड्रोजन सल्फिएट आइन एंड वाटर सेकेंड स्टेप में बेंजीन रिंग नाइट्रोनियम आयन पर अटैक करके एक बेंजीनोनियम आयन प्रोड्यूस करती है और लास्ट स्टेप में हाइड्रोजन सल्फेट आयन बेंजीनोनियम आयन के हाइड्रोजन पर अटैक करके नाइट्रोबेनजीन प्रोड्यूस कर देता है और कैटलिस्ट दोबारा से प्रोड्यूस हो जाता है वो रिएक्शन जिसमें बेंजीन रिंग की हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है एक सल्फोनिक एसिड ग्रुप से सल्फोनेशन कहलाता है बेंजीन को जब हम फ्यूमिंग या कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो रिजल्ट के तौर पे उसकी सल्फोनेशन हो जाती है एंड द प्रोडक्ट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड इस केस में सल्फर ट्राईऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल है बेंजीन का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन एट 80 डिग्री सेल्सियस द प्रोडक्ट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर ट्राइऑक्साइड के फ्यूम्स निकलते हैं जो कि बैनजीन रिंग के साथ 25 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करके बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे इसके मैकेनिज्म में सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा सल्फ्यूरिक एसिड के दो मालिक्यूल्स रिवर्सिबली रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन सल्फर ट्राई और हाइड्रोजन सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड मालिक्यूल में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर सल्फर है क्योंकि यह तीन ऑक्सीजन एटम्स के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है

बेंजीन सल्फोनिक एसिड और वाटर बना देगा सब्सिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास थर्ड है हेलोजिनेशन रिएक्शन हेलोजिनेशन रिएक्शन में बेंजीन रिंग की हाइड्रोजन एक हेलोजन से रिप्लेस हो जाती है इसके लिए हम आयरन या आयरन थ्री हेलाइट को कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ करते हैं आम तौर पर हेलोजिनेशन में हम क्लोरीन या ब्रोमीन को यूज़ करते हैं इसलिए कि फ्लोरिनेशन इतना फास्ट रिएक्शन है कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल है जबकि आयोडीनेशन की यील्ड बहुत पुअर है। नेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल्स जनरल रिएक्शन द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद हेलोजन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच बेंजीन एंड हाइड्रोजन हेलाइड इज प्रोड्यूस्ड जब एक्स ब्रोमीन हो तो इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन आर आयरन थ्री ब्रोमाइड बेंजीन इज प्रोड्यूस्ड एंड वेन इट इज क्लोरीन

बेंजीन रिंग का अटैक होगा क्लोरिनोनियम आयन पर रिजल्ट के तौर पे बेंजीनोनियम आयन बन जाएगा और लास्ट स्टेप में टेट्रा क्लोरो हाइड्रोजन पर अटैक करके क्लोरोबेंजीन प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा और कैटलिस्ट रीजेनरेट हो जाएगा अब हम एल्काइल बेंसिन की हेलोजिनेशन डिस्कस करेंगे इसके लिए हमें सनलाइट चाहिए यहां पर हेलोजन एटम्स साइड चेन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने से बेंजाइल क्लोराइड बनेगा, दूसरे स्टेप में दूसरी हाइड्रोजन रिप्लेस होने से क्लोराइड बन जाएगा और थर्ड स्टेप में तीसरी हाइड्रोजन रिप्लेस होने से बेंजो ट्राइक्लोराइड बन जाएगा अगला रिएक्शन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड फ्रीटल क्राफ्ट एल्काइलेशन इस रिएक्शन में बेंजीन रिंग एक एलकाइल हिलाइट के साथ कैटलिस्ट एलोमिनियम थ्री क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करती है और इसके नतीजे में बेंजीन की हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है एक एल्काइल ग्रुप से फॉर एग्जांपल इसका जनरल रिएक्शन है बेंजीन का रिएक्शन एक एल्काइल हेलाइट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एलोमिनियम थ्री क्लोराइड द रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन एंड हाइड्रोजन हेलाइट इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेंजीन जब मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ एलोमीनियम थ्री क्लोराइड ट वी गेट इज टॉलवीन इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन के रिजल्ट में इथाइल बेनसिन प्रोड्यूस हो जाती है और एन प्रोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन के रिजल्ट में एन प्रोपाइल बेनसिन प्रोड्यूस हो जाती है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी बाकी दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन की तरह ही होता है सबसे पहले स्टेप में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है सेकेंड स्टेप में बेनजीन रिंग उस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करती है बेंजीनोनियम आयन प्रोड्यूस होता है थर्ड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन ऑफ बेंजीनोनियम आयन पर अटैक करता है एक एल्काइल बेंजीन प्रोड्यूस हो जाती है फिफ्थ रिएक्शन जो अभी हम स्टडी करेंगे दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जिसमें बेंजीन एक एसाइल हिलाइट के साथ रिएक्ट करती है कैटलिस्ट वही है एलुमिनियम थ्री क्लोराइड और इसके नतीजे में हमारे पास एक कीटोन आ जाता है इस रिएक्शन में बेंजीन रिंग की हाइड्रोजन को एक एसाइल ग्रुप रिप्लेस कर देता है इसका जनरल रिएक्शन ये है बेंजीन रिंग का एक एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एलोमिनियम थ्री क्लोराइड द रिजल्ट इज एसाइल बेंजीन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड एग्जाम्पल में बेंजीन रिंग का रिएक्शन है एसिटाइल क्लोराइड के साथ जिसके रिजल्ट में एसिटोफिनोन या मिथाइल फिनाइल कीटोन बन जाता है इसका मैकेनिज्म भी बाकी इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरह ही है इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हुए क्लोरीन इस लेविस एसिड के ऊपर अटैक करता है द रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल एंड टेट्राक्लोरो टेट्राक्लोरोलोमिनेट आइन इन द सेकेंड स्टेप इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेन्जीन रिंग अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बेंसिनोनियम आइन विल बी प्रोड्यूस्ड इन द थर्ड स्टेप द न्यूक्टैक ऑन हाइड्रोजन एंड वट वी कैट इज एंड एसाइल बेनसिन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड एलोमिनियम थ्री क्लोराइड विच इज द कैटलिस्ट इट विल बी रीजेनरेटिड अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन की समरी देखते हैं नाइटेशन जिसमें रिएजेंट्स नाइटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड हैं इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आइन है जीन इज बिंग सल्फोनेशन जिसके रिजल्ट में बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं हेलोजीनेशन जिसके रिजल्ट में हेलो हेलोबेंजींस प्रोड्यूस होती हैं एल्काइलेशन जिनके रिजल्ट में एल्काइल बेन्जींस प्रोड्यूस होती हैं एक और एल्काइलेन रिएक्शन जिसके रिजल्ट में एल्काइल बेंजीन प्रोड्यूस होगी बेटा आप यहाँ पर यह चीज़ नोट कीजिए कि एल्काइलेशन में हमने थ्री तरह के रिएजेंट्स यूज किए हमने यहाँ पर एल्कीन्स भी यूज की एल्कोहल्स भी यूज किए और एल्काइल हेलाइट भी यूज किए लास्ट रिएक्शन जो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन में डिस्कस करेंगे दैट इज एसाइलेशन जिसके लिए हम दो रिएजेंट्स यूज कर सकते हैं दिस इज कॉल्ड एसिड एंड हाइड्राइड दिस इज एसिड क्लोराइड और नतीजे के तौर पे हमारे पास दोनों केसेस में प्रोडक्ट आएंगी एसाइल पेंसिन इस टॉपिक से रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन इन्हें आपके बुक से लिया गया है इन्हें सॉल्व कीजिएगा गुड लक